तो ये पहली वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी इमेज या आर्ट टेक्स्ट के साथ बनाई जा सकती है, चाहे लोगो बनाना हो, इमेज बनानी हो, वॉलपेपर बनाना हो। क्योंकि आपको पता है मिड जर्नी या किसी और ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमेशा उसके स्पेलिंग को गलत लिख देता है। तो इस वेबसाइट ने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। टेक्स्ट के बगैर इमेजेस भी ये हाई क्वालिटी की बनाता है, मिड जर्नी से भी अच्छी। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट लिखी और इसको बता दिया कि इसके अंदर एआई मनी मेकर ऐड होना चाहिए टेक्स्ट के अंदर। मज़ीद डिटेल जो है मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉम्प्ट कैसे बनानी है या कहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से एस्पेक्ट रेशो हमने चूज़ कर लेनी है, हमें 16.9 वाइड चाहिए, इस बॉक्स चाहिए। तो ये देखें, ये इसने कुछ सेकंड्स के अंदर जनरेट कर दी। बाय द वे ये फ्री वेबसाइट है, अनलिमिटेड यहाँ पे इमेजेस बनाई जा सकती हैं। अब इसने एआई मनी मेकर्स का ए भी ले लिया, के ले लिया, इस तरह से भी इसको बना सकता है। अगर आपको पसंद ना आए आप रीजनरेट करेंगे, ये फिर एक और आपको रिजल्ट देगा। जब तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये इंतहाई कमाल के इसने टेक्स्ट जो है वो जनरेट करके दे दिए। जैसी प्रॉम्प्ट लिखी थी कि फ्लावर्स चाहिए और कलरफुल चाहिए, इसी तरह मैंने रीजनरेट किया तो इसने इस तरह से मुझे लिख के दे दिया, जिसमें आर्ट यूज़ की गई है एआई मनी मेकर को यूज़ करते हुए। नीचे ऑलरेडी इमेजेस बनी हुई है, इसकी आपने प्रॉम्प्ट कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देनी है। आप अगर आपको ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, आप खुद से अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और जिस जगह पे लिखा हुआ है कि ये वाला टेक्स्ट, जैसे AUDHID इस तरह कुछ लिखा हुआ है, इसको आपने हटा के और अपना टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ इमरान, तो अब बाकी चीज़ें यही रहेंगी। कुछ ये इसको चेंजिंग लेके आएगा इमेजेस के अंदर, 100% डुप्लीकेट इमेज नहीं बनाएगा ताकि आपकी उससे मैच भी ना करे जो आपने प्रॉम्प्ट ली थी। तो ये पहली इमेज मुझे अच्छी लगी है। अब इसने उसी टाइप की इमेज के अंदर और टेक्स्ट को ऐड कर दिया है, जो कि अगर हम खुद से करने जाएंगे तो हमें कोई सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा या फोटोशॉप में जाना पड़ेगा, और वो इतना अच्छा मर्ज भी नहीं होगा कलर्स के अंदर। तो इस तरह से आप प्रॉम्प्ट भी यहीं से ले सकते हैं, इंस्पिरेशन लेके उसी को थोड़ा सा चेंज करके तब्दील करके यूज़ किया जा सकता है। राइट क्लिक करके सेव कर सकते हैं इमेज को यूज़ करने के लिए। ये चीज़ें सेल भी की जा सकती हैं, ऐसी इमेजेस की बहुत डिमांड है। अब जैसे ये एक और मुझे इमेज बहुत पसंद आई, इस तरह का टेक्स्ट मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपने लिए, कोई लोगो बनाना चाहता हूँ या कोई इमेज जनरेट करना चाहता हूँ, तो इसी को ओपन किया और यहाँ पे जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको प्रॉम्प्ट कहते हैं वो ऊपर जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, और इधर भी उसी जगह पर जहाँ पर इन्होंने पुराना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हटा के और अपना टेक्स्ट ऐड कर दूँगा। अब यहाँ मैंने इमरान AI लिख दिया तो ये इसी से रिलेटेड इमेज को जनरेट कर देगा, और उसी टाइप का जो ग्राफिक और पेंटिंग या कुछ भी आपको अगर अच्छा लगा था तो वैसी ही इमेज बन जाएगी। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अब ये देखें, ये उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे लग रहा है जो कि पुरानी प्रॉम्प्ट के अंदर था, और प्रॉम्प्ट भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो ये देखें, ये बिल्कुल कैंडी टाइप का इसने नाम को बना दिया, ऊपर कैंडल्स आ गई हैं। तो इसी तरह ये दो तीन जो इसने वेरिएशन दी हैं, तीनों ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। तो इस तरह से आप अपनी आर्ट इमेज में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं बग़ैर किसी स्पेलिंग मिस्टेक के, जो कि मिड जर्नी में अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो ये टोरंटो की एक वेबसाइट है और बड़ी कमाल की वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर करेक्टर्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि शाहरुख खान ने मेरा नाम होल्ड किया, इसकी प्रॉम्प्ट यहाँ लिख के मैंने पेस्ट कर दी थी और इस तरह से इसने इमेज बना दी। करेक्टर्स की इमेजेस भी बनाई जा सकती हैं इसमें। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वेबसाइट आपके लिए कितनी यूज़फुल साबित हो सकती है। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद टूल के लिए AIMoneyMakers.online पर जा सकते हैं।